राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार सांसद चुने गए, वहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ली। बता दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात, पीएम मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने तीन टर्म की सरकार बनाते हुए बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण की हो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कल नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रचा। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। वहीं मोदी कैबिनेट 3.0 में उत्तर प्रदेश का दबदबा कायम रहा। यूपी से 10 चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही लोगों में इस बात को लेकर बनी उत्सुकता भी खत्म हो गई कि नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार में यूपी के किन सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो आइए जानते हैं विस्तार से। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने मंत्री पद के लिए शपथ। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले वह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र गृह मंत्री और दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी ने मंत्री पद के लिए शपथ। राजनाथ सिंह के बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद की शपथ ली। सांसद चौधरी जयंत सिंह ने मंत्री पद के लिए शपथ। वहीं राष्ट्रपति लोकदल प्रमुख और राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्री पद की शपथ ली है। पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद ने मंत्री पद के लिए शपथ। इसके साथ ही पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से नव निर्वाचित सांसद जितिन प्रसाद ने राज्य मंत्री के रूप में पद की शपथ ली। बता दें कि इससे पहले वह यूपी की योगी सरकार में मंत्री रहे, जो कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित पंकज चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। बता दें, पंकज चौधरी इसी सीट पर 2019 में भी चुनाव जीते और मोदी 2.0 सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने थे। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल ने भी मंत्री पद के लिए शपथ। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के रूप में मंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता है। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल ने मंत्री पद के लिए शपथ। आगरा संसदीय क्षेत्र से सांसद एसपी सिंह बघेल ने राज्य मंत्री के रूप में पद की शपथ ली। वहीं मोदी 2.0 सरकार में भी वह मंत्री रहे हैं। गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह बने राज्य मंत्री। गोंडा संसदीय क्षेत्र से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्य मंत्री के रूप में पद की शपथ ली। उन्होंने 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीता है, जो कि 2014 में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। बदायूं से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा बने राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश के बदायूं से आने वाले राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने राज्य मंत्री के रूप में पद की शपथ ली। बता दें, बीएल वर्मा मोदी 2.0 सरकार में भी मंत्री थे और यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान बने राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश की बांसगांव सीट से भाजपा सांसद कमलेश पासवान ने राज्य मंत्री के रूप में पद की शपथ ली। बता दें, वो लगातार 2009 से सांसद हैं और 2024 का चुनाव जीतकर चौथी बार सांसद बने हैं। इससे पहले वह विधायक भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।